पॉइंट एजुकेटर। आई होप मेरी वॉइस आप सभी को आ रही होगी बेटा प्रॉपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज मयंक शुक्ला, योर एजुकेटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आई हैव क्वालिफाइड मैनी एग्जाम्स, कैट, एस एस सी सी एच एस एल, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली 30,000 कोर्ट एंड मैनी मोर एग्जाम्स। आई एम अ प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ बेटा अगर मैं बात करूँ तो आपने अगर अभी तक अन अकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे 18th ऑफ फेब से आपका लेट्स क्रैक क्लैट बैच आ रहा है, क्लैट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि आपका 1 ईयर वैलिडिटी वाला बैच है। इसको आप एनरोल कर सकते हैं। और साथ इसके साथ ही साथ रैंक बूस्टर बैच आ रहा है क्लैट 2022 के लिए, जो कि आपका 16th ऑफ फेब से बैच स्टार्ट हो रहा है। 16th ऑफ फेब से एक और बैच आ रहा है आपका लेट्स क्रैक NLSAT, जो कि आपका 1 ईयर वैलिडिटी का बैच है। ठीक, सबसे बड़ा ऑफर आप लोगों के लिए बच्चे यहाँ पर क्या है आपका, हेलो समीर, 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ फ्री फॉर क्लैट 2022 एस्पिरेंट्स। यानी कि अगर आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बेटा आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन पूरा बिल्कुल फ्री मिलता है। एंड साथ ही साथ अगर आप 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू विल गेट 2 मंथ्स एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फॉर क्लैट 2022 एंड 2023। हेलो सुलग्ना, हेलो अनुष का एंड हेलो शमीर, हाउ आर यू। अगर आप बेटा फेब 18 को स्टार्ट हो रहा है आपका लेट्स क्रैक LSAT बैच, ठीक है, जो आपका 3 मंथ्स का वैलिडिटी का है, इसमें सभी में एनरोल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड काशी10। 20 फेब एंड 26 फेब क्या से आपका बेटा फुल मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो लाइव कुछ फीचर, ऐप आपका बहुत अच्छा फीचर है ऐप में, जिसमें आप यू कैन इधर होस्ट अ क्विज, यानी कि चाहे तो आप क्विज होस्ट कर सकते हैं या फिर क्विज जो शेड्यूल्ड की गई है उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूलेट एन अकेडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है 60 मिनट का, 60 मिनट 60 मार्क्स का, एवरी सैटरडे सुबह 11 बजे। स्पेशल क्लास फीचर्स की बात करें तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, लर्नर्स के लिए पोल मिलते हैं, रेज अ हैंड का ऑप्शन मिलता है, आपकी क्लासेस मिस नहीं होती क्योंकि आपके पास लेक्चर नोट्स, आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन आती है, लेक्चर नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ बेटा एनी टाइम एनी वेयर क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा समझते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का, एवरेज। ठीक है, एवरेज का मतलब होता है बराबर बेटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जैसे मैं कल क्लास नहीं हुई थी यार समीर, कल नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा था इस वजह से क्लास नहीं हुई थी कल। ठीक है, तो अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने कहा सपोज दैट आपका ये 5 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, 20 हो गया, इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा। ठीक है बेटा, तो एवरेज क्या होगा सबसे बड़ी बात करें तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बेटा अगर मैं कहूँ इसका एवरेज आपका 10 है या 12 है, तो इसका मतलब इन सारे नंबर्स की वैल्यू उस समय क्या हो रही होगी, 12 हो रही होगी। मतलब क्या हो गया, एवरेज का जो आपका फॉर्मूला होता है एक आपका, वो क्या होता है, इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, ये आपका एवरेज का एक फॉर्मूला होता है। ठीक, तो अब अगर मैं बात करूं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, 20 15 35, 35 5 40, 40 40 10 50, 50 12 62, 62 डिवाइड बाई आपका 5, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो गया बेटा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया हमारा, देखिए 5 1 5, 5 2 10 एंड पॉइंट लगा देंगे 5 4, 12.4 आ गया बेटा आपका। कितना आ गया, 12.4। इसका मतलब अब आपको पता है, अगर आप 12.5, 12.5, 12.5,
12.5 और 12.5 ऐड करोगे इनको सबको, यानी कि 12.5 को बेटा अगर आप 5 बार ऐड करोगे तब भी आपका सम पता है कितना आएगा, 62 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 5 की वैल्यू भी 12.5, 10 की भी इतनी हो गई, इसकी भी इतनी हो गई, इसकी भी इतनी हो गई और इसकी भी इतनी हो गई। इट मीन्स इट मीन्स आप सभी की इन सारे नंबर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपकी, 12.5, 12.5, 12.5 एंड 12.5 हो जाएगी। बताइए जी, बात क्लियर है सभी को? जल्दी से बताओ बेटा, बात क्लियर है सभी को? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेरी गुड इवनिंग रूपाली, अनुकल्प, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अनुकल्प, हो तो जाएगा बट थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना? आई बात समझ में? थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? अब देखो इतनी बात होगी। इसके अलावा थोड़ी देर अगर आप समझो, पहले मैं डिस्क्रिप्टिव आप लोगों को पूरा पढ़ा रहा हूँ। एवरेज की एक अदर चीज, जैसे आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए हों, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना? ऐसी कंडीशन में, इस कंडीशन में एवरेज इज इक्वल टू होता है आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। तो बेटा इस कंडीशन में आपका एवरेज कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सारे लोग, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सारे लोग, इस कंडीशन में आपका एवरेज कितना होगा? अनुकल्प, मेरी डेली क्लास होती है सुबह 11 बजे अनअकैडमी पर, कल जैसे कि मैं मेंसुरेशन स्पेशल लेने वाला हूँ, सुबह 11 बजे मेरी क्लास अटेंड करो और मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, काशी 10, KASHI 10। सुबह 11 बजे कंप्लीट मेंसुरेशन में पढ़ाऊंगा, या आप सभी रिमाइंडर सेट कर लो, सुबह 11 बजे काशी 10 मेरा कोड है, सुबह 11 बजे बेटा आप पढ़ोगे, कंप्लीट मेंसुरेशन आप लोगों को कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक टू तो एडवांस लेवल, ठीक है? बिल्कुल बेसिक टू तो एडवांस लेवल। 2, 4, 6, 8, 10, इसका एवरेज आपका क्या होगा, जल्दी से बताइएगा? 6 हो जाएगा, बिल्कुल 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि 12 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया बेटा आपका, 6 आ गया, ठीक है ना? 12 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया बच्चे, 6 आ गया। एक चीज नोटिस करोगे, 6 तो आपका बीच में ही लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो एवरेज हमेशा कहाँ होगा, एवरेज हमेशा बीच में होगा। जैसे मैं कहूँ 5, 10, 15, 20 और 25, बेटा इसमें एवरेज क्या होगा पता है, आप आंख बंद करके कह सकते हो एवरेज इसमें क्या होगा, 15 होगा। कितना होगा बेटा, 15 होगा, ठीक है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का कैसे पता लगाते हैं बेटा, उनमें डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है, उनमें हमेशा डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। जैसे मैं एक और नंबर आपको दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है ना? इसका आप बता दो अनुकल्प, चलो ठीक है परसों आपके लिए, परसों CI कर लेंगे और फिर उसके नेक्स्ट डे SI कर लेंगे, या परसों SI कर लेंगे उसके नेक्स्ट डे CI कर लेंगे, ठीक है? आप एक बार हमारा अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं ऐड हूँ, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ठीक है अनुकल्प? बताइए 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसका बेटा एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज, ठीक है? इसका एवरेज पहले बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से कमेंट करके बताइए और सेशन को प्लीज शेयर करो सभी लोग, ठीक है? तो मजा आएगा आप लोगों को। जल्दी से बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा आपका एवरेज। कमेंट फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द एवरेज? जल्दी से बताइए सारे लोग।
देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो पता है मैंने क्या कहा बेटा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो एवरेज हमेशा बीच की वैल्यू होगी। तो आप पहले फर्स्ट प्लस लास्ट यानी कि 12 और 2 के बीच, 12 और 2 जब आप ऐड करोगे तो 14 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि आपका 7 आ गया। ठीक है, 7 जब आ गया, बट आप एक चीज और देखो बीच में बेटा, ये आपके 6 डिजिट लिखे हो, तो बीच में यहाँ पर आपका क्या है, खाली स्थान। लेकिन 6 और 8 के बीच में बेटा आपका क्या आएगा, 7 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जी, हाँ या ना, बताओ जी बेटा, हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात बेटा सभी को क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने बेटा, कमेंट करके सभी लोग इसका आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा। जल्दी से बेटा इसका आंसर बताइएगा सारे लोग, क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, जल्दी से बेटा कमेंट करके इसका आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है ना, तो इसका एवरेज बेटा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। जैसे आपका हमेशा क्या होता है, जो जैसे कि आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, तो हमेशा याद रखिएगा एवरेज हमेशा क्या होगा, आपकी बीच वाली वैल्यू ही आपका एवरेज होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज, अगले क्वेश्चन का बेटा आंसर बताना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कमेंट फास्ट एवरीवन। क्वेश्चन है आपका, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 27, विच इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग देम। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रूपाली राजपूत, 8। चलो बेटा ठीक है, ट्राई करते हैं 8 है कि नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू पूछी गई बेटा आपसे, 8 थोड़ी ना होगा इसमें, है ना, 8 थोड़ी ना होगा। ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, कमेंट फास्ट। सुलग्ना घोषी कह रही हैं 29 होगा, वेरी गुड बेटा। चलो आपके पास 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये आपका 27, तो उस एवरेज हो गया आपका, इसके बाद वाला 28, उसके बाद वाला 29, एंड दिस इज योर आंसर। बताइए, बात क्लियर होगी सभी को? जल्दी से बताओ बेटा, बात क्लियर होगी सभी को? ठीक है, अगर ये बात क्लियर हो गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। द एवरेज ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 15, अकॉर्डिंगली व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर, प्लीज कमेंट करके बताइएगा सारे लोग। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से बेटा कमेंट करके सारे लोग बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं अब इसके बारे में बात करूं, तो द एवरेज ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 15। ठीक है, तो यहां पर एक चीज थोड़ा सा एरर है, थोड़ा सही कर लीजिए, कि द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव
इवन नंबर, इवन नंबर्स इज 15, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपका कितना है? 15 है। उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा और बताइएगा आंसर बेटा क्या होगा इसमें। जल्दी से ट्राई करिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, 5 मिनट बाद बिल्कुल सही हो जाएगा जो भी इशू आ रहा है आपका। ठीक है ना, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बेटा इसका आंसर बताओ सारे लोग क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या है आपका, चार क्रमागत सम संख्या है बेटा, 1, 2, 3, 4 इवन नंबर्स हैं, तो हमेशा वैल्यू क्या होगी बीच वाली, एवरेज बेटा ये 15 हो गया, तो ये आपका 16 और ये आपका 18। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर, यानी कि सेकंड दूसरे नंबर का सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बेटा कौन सी होगी आपकी, 16 इज योर राइट आंसर। बताइए बेटा बात क्लियर होगी सभी को, 16 इज योर राइट आंसर, जल्दी से बताओ बच्चे कमेंट करके, बात क्लियर होगी सभी को। अगर बेटा बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर बताइएगा प्लीज। अगला क्वेश्चन बच्चे आप सभी के सामने है, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका। दो चार, भाई नहीं हो सकता, 2, 4, 8, 6, 6, 8, 10 का एवरेज 15 थोड़ी ना होगा अनुकल्प, है ना। एवरेज आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन थोड़ी ना होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, समझे। एवरेज इज इक्वल टू आपका क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे यहां पर दिया गया द एवरेज ऑफ 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज आपका 25। ठीक, तो देखो 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका एवरेज आपका 25 दिया गया, तो बेटा ये आपका 25 हो जाएगा यहां पे। ठीक है, सो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ देम, बताइए बेटा, ये बात क्लियर हो गई सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इसको ट्राई करिएगा और आंसर बताइए क्या हो जाएगा। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर कर दो क्लास को, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर कर दो प्लीज। द एवरेज ऑफ 4, 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 40, सो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा, स्पीड में थोड़ा जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ क्या हो जाएगा आंसर, कमेंट फास्ट एवरीवन, जल्दी 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 क्या होगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ बेटा क्या हो जाएगा, कमेंट फास्ट। देखिए क्या कह रहा है आपसे, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इवेंट नंबर्स इज 40, सो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, तो अगर आपका ये 40 है तो ये आपका 42 होगा एंड ये आपका 44 होगा। वेरी गुड समीर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बच्चे क्या हो जाएगा, जल्दी से। द एवरेज ऑफ इवेंट नंबर्स बिटवीन 51 एंड 187 इज, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, कमेंट फास्ट,
जल्दी से बेटा कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। सुजीत कुमार, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से सुजीत आंसर बताइए इसका। द एवरेज ऑफ इवन, सुलगना बिल्कुल सही है बेटा। आप सभी को बता दूं, कल सुबह मेरी 11 बजे 11 AM पर अनएकेडमी पर स्पेशल क्लास है, उसको इनरोल करने के लिए मेरा कोड ज़रूर यूज़ करें, काशी 10, काशी 10, ठीक है ना, काशी 10, काशी समझ रहे होगे आप लोग, काशी 10 बेटा इसको ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। और 11 AM पर मेरी क्लास है जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट मेंसुरेशन कराने वाला हूँ। क्या कराने वाला हूँ? कंप्लीट मेंसुरेशन कराने वाला हूँ। तो इस क्लास को मिस मत करना, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत कुछ आप मिस कर दोगे जिसने मिस किया। चलो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो बेटा द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 51, तो बेटा 51 के बाद जो एवरेज इवन पड़ेगा वो आपका 52 पड़ेगा। यहाँ से कहानी आपकी शुरू होगी, 54 डॉट 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 आपका 186, यहाँ तक आपकी कहानी चलेगी चलेगी, ठीक है ना। तो बेटा फर्स्ट जब कॉन्जिक्यूटिव है तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई टू लगाओ, तो एवरेज इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई टू, यानी कि 52 प्लस आपका 186 डिवाइड बाई टू। बेटा आप इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप इंडिविजुअल भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे इसको डिवाइड किया 26 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 94 आ गया, ठीक है ना, टू से जब डिवाइड किया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 6 4 10 0 1 12, बेटा आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। बताइए जी, बात क्लियर है? बताइए बेटा बात क्लियर है? 120 इज योर राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा बात क्लियर है सभी को, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुजीत कुमार, वेरी गुड, 120 इज योर राइट आंसर, ठीक है। इसके अलावा सारे आंसर बच्चे क्या हैं आपके, गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज, क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी के सामने है, कमेंट करके बेटा आंसर बताओ। हाउ समीर, क्या नहीं समझ में आया ये बताओ, समीर क्या नहीं समझ में आया कमेंट करके ये बताइए। समीर क्या नहीं समझ में आया बेटा कमेंट करके ये बताओ जरा। लास्ट क्वेश्चन, चलो एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, लास्ट क्वेश्चन इसी में समझ लो, मैं इसी में बता देता हूँ आपको पूरी तरह से। एवरेज पूछ रहा है, ठीक है ना, ये आपका 51 गलती से दो बार लिख गया यहाँ पर, ठीक है। जैसे यह है आपका 51 है, 57 है, 63 है, डॉट डॉट आपका कहाँ तक गया है, 135 तक गया हुआ है, इसमें 135 मिसिंग, अच्छा 135 है, ठीक 135। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके रूपाली, फाइन, समझ गए, ठीक है। तो 135 इसमें क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई टू, यानी कि बेटा इन दोनों को 51 प्लस आपका 135 डिवाइड बाई टू, बेटा क्या करोगे, 5 1 6 आपका 5 3 8 हो गया, आपका 1 हो गया, डिवाइड बाई टू, सॉल्व करने पे 93 आ गया आपका, ठीक। हमें पता है आपको समझ में क्या नहीं आया होगा, लास्ट क्वेश्चन पे आपको शायद ही हो सकता है ये ना समझ में आया हो। बेटा आप जब एक साथ भी अगर इसको, जैसे आपका 52 प्लस 186 लिखा हुआ है, डिवाइड बाई टू करोगे, तो बेटा जब आप इसका 6 2 8, 8 5 13 3 2, 238, 238 डिवाइड बाई टू,
बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आंसर, 119 आ रहा है, 120 नहीं आ रहा। ये आपका कितना था? 186 था। तो बेटा यहां पर जो आएगा आपका 93 आएगा, आपका कितना आएगा दोस्त? 93 आएगा यहां पर, ठीक है। तो द एवरेज विल बी 119, नॉट अ 120, 119 होगा आपका एवरेज। आई बात समझ में? 119। हाँ जी, सॉरी समीर, मैं थोड़ा सा मतलब काटने में मुझे जल्दबाजी हो गई और इधर से मैं आपकी लोगों की बात समझ नहीं पाया, और मतलब किसी ने आंसर भी नहीं दिया सही। ओके समीर, आई गॉट यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच समीर, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के सामने, कमेंट करके आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखते हैं आंसर किसका आता है। जल्दी से बेटा आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा बेटा। रूपाली, नो सर, अब ये नो सर किस लिए है एक बार बताइएगा प्लीज। आई एम नॉट गेटिंग इट। ये नो सर, नो सर मतलब किस बात के लिए है? नाइन गर्ल्स एंड वन बॉय वेंट टू अ होटल फॉर लंच। इफ ईच गर्ल स्पेंड 30 रुपीज एंड द बॉय स्पेंड 72,000 रुपीज मोर देन द एवरेज, देन हाउ मच रुपीज डिड द बॉय स्पेंड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया उमदा प्रश्न, बेचारा लड़के का समझ जो आगे, ठीक है। जल्दी से बताइएगा इसका क्या होगा आंसर। जल्दी से बेटा इसका आंसर बताएगा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अगर मैं कहूं यहां पर बेटा मैं कहूं, हाँ जी जैद साहब बिल्कुल, दिस इज यूजफुल, दिस इज वेरी यूजफुल, सॉरी। देखिए क्या है आपका, अगर मैं कहूं यहां पर टोटल का एवरेज, लेट द एवरेज ऑफ टोटल इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि 9 गर्ल्स एंड 1 बॉय का एवरेज मैंने सपोज किया यहाँ पर एक्स। नहीं समीर है, इतना थोड़ी ना होगा एक्स। यहाँ पे हजारों रुपए की बात चल रही, लड़के ने 72,000 तो पहले ही ज्यादा खर्च किए बेचारे ने, तो लड़का इतने थोड़ी ना खर्च करेगा। तो टोटल कितना हो गया बेटा? एवरेज होता है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो
नाइन गर्ल्स प्लस वन बॉय, तो बेटा नाइन गर्ल्स ने कितना, एक लड़की 30 रुपये खर्च कर लिए, तो नौ लड़कियां आपके मिलकर 270 रुपीज खर्च करेंगी, प्लस एक बॉय ने कितना खर्च किया, एंड द बॉय स्पेंड 72,000 रुपीज मोर देन द एवरेज। एवरेज बेटा कितना है, एक्स है, एक्स से 72,000 रुपीज ज्यादा खर्च किए, ये क्या हो गया आपका सम हो गया अपॉन बेटा आपका 9 + 1 यानी कि 10, देन द एवरेज इज एक्स, हमने यही तो माना है आपका, है ना। चलो जी ये हो जाएगा हमारा कितना 270, या फिर ऐड कर दो 72,270 इज इक्वल्स टू आपका प्लस का एक्स इज इक्वल्स टू आपका 10x, तो आपका क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 72,270, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7898 72,030, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8030 आ गई। पूछ क्या रहा है आपसे, मेरी डेली क्लास होती है शाम को 6 बजे, और अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास होती है मेरी, जो आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी ऐप पर, वो होती है 11 AM पर, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस सेशन, बहुत ही यूजफुल है। कल मैं आप लोगों को मेंसुरेशन, कंप्लीट मेंसुरेशन कराऊंगा, तो बेटा बहुत ही अच्छा सेशन होगा, आप लोग जरूर ज्वाइन करें इसको। 8,030 रुपीज़, तो बॉयज ने कितना खर्च किया था, उसने एक्स प्लस 72,000 रुपीज़ खर्च किए थे, तो एक्स की वैल्यू हमने 8,030 रुपीज़ निकाली है, बॉय की वैल्यू 72,000 ऐड कर देंगे, तो 80,030 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। बॉय ने कितना खर्च किया बेटा, 80,030 रुपीज़ बॉय ने खर्च किया, बताइए बात क्लियर होगी। समीर सिंह जी अब बात क्लियर हुई बेटा, समीर अब बात क्लियर हुई, जल्दी से बताइए अब बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगर बेटा ये बात क्लियर है, हेलो अतुल, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएगा प्लीज। हाँ जी जैद साहब, कल सुबह 11 AM पर मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, सुबह 11 AM पर, ठीक है ना, एक बात नोट कर लीजिएगा, मेरा कोड है काशी10, KASHI10, ठीक है, इस कोड को आप क्लास ज्वाइन करते टाइम इस कोड का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हाय अतुल, एवरीवन, जितने भी लोग बेटा प्रिपरेशन कर रहे हो अपकमिंग एग्जाम्स की, उनके सभी के लिए मेंसुरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कई सारे लोग इसमें टेंशन में आ जाएंगे, मैं बताऊंगा बहुत ही इजी वे में, जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा। एक कंसेप्ट होता है एलिगेशन का, समझते चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, जिसको आता है वो सॉल्व करे, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो समझे। एलिगेशन का, एलिगेशन में बेटा ये होती है, जैसे हमारी दो चीज़ें होंगी, जैसे हमारा 5 किलो गेहूं हो गया और 10 किलो गेहूं हो गया, और हमने उनको मिला दिया 15 किलो गेहूं, मैंने कहा 5 किलो की कीमत ये है, 10 किलो की कीमत ये है, 15 किलो की कीमत ये है, तो बेटा वही वाला फंडा बना, ए हो गया अलग क्वांटिटी, बी हो गई अलग क्वांटिटी, और उसको मिला के एक तीसरी क्वांटिटी मैंने बना दी सी, ठीक है। अब देखो, अब ये जो सी होगा बेटा, ये जो सी होगा, इसकी पहली कंडीशन क्या होती है, ए और बी के बीच में होनी चाहिए सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए और बी के बीच में होनी चाहिए, कभी बी बड़ा हो गया कभी ए बड़ा हो गया, डजेंट मैटर, बट सी दोनों बड़े या दोनों छोटे नहीं होने चाहिए। अगली कंडीशन आपकी क्या है, अब जो बड़ा हो गया, सपोज दैट यहां पर बी बड़ा है, तो बी में से क्रॉस में माइनस करते हैं, बी में से सी घटाएंगे, तो बेटा जब पहली कंडीशन बी बड़ा हो गया, तो इट मीन सेकेंड कंडीशन में सी बड़ा होगा आपका, दूसरी कंडीशन में हम लोग सी माइनस ए करेंगे, तो यहां पर जो भी आएगा बेटा, ये रेशियो होगा किसका, नंबर्स का, किसका रेशियो होगा,
नंबर्स का रेशियो हो गया हमेशा। ठीक, अब समझो, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब इसको एलिगेशन से इतने बड़े क्वेश्चन को हम लोग कैसे सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं? देखो बेटा, मैंने कहा आपसे क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 100 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 36.5, ऑफ विच द एवरेज एज ऑफ मैन, मैन की एवरेज एज कितनी है, 45 है, और वुमेन की एवरेज एज बेटा आपकी 28 है, ठीक है ना, 28 है। एंड एवरेज 100 वर्कर्स की पूरे मिलाकर एवरेज कितनी है एज, 36.5 है। देखो 36.5 45 से छोटा है, 28 से बड़ा है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई, ठीक है ना। तो अब देखो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा आपका, देखो 36.5 में से हमने 28 माइनस किया, हमारा कितना बचा आपका, 8.5 बचा, और इधर हम लोगों ने माइनस किया तो बेटा इधर हमारा कितना बचा, इधर भी हमारा 8.5 बचा, 45 माइनस का 36.5, ये कितना बचा आपका, 8.5। तो बेटा ये जो नंबर्स आ गया, ये जो रेशियो आ गया, नंबर्स का रेशियो आता है, तो एक एक दो दो की वैल्यू आपकी हो गई 100 वर्कर्स। अब पूछ रहा है कितनी संख्या में आपकी महिलाएं हैं, कितनी संख्या में पुरुष हैं, तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 50 मैन एंड 50 वुमेन। बताइए बात क्लियर होगी, दिस इज द प्योर कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन। बताइए बेटा बात क्लियर हो गई, जल्दी से कमेंट करके बताओ सारे लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप से लगेगा, एक बार आप लोग कोशिश करिएगा कि कैसे लगेगा, मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया, एक बार ट्राई करिएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हेलो चंद्रनंद जी, हेलो जयत साहब, सुजीत, जल्दी से सारे लोग बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेम कंसेप्ट लगेगा, एलिगेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिस जो आपका किसी भी टॉपिक में लग जाएगा, चाहे आप एवरेज कर रहे हो, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हो, ठीक है ना, चाहे आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर रहे हो, टाइम एंड वर्क कर रहे हो, एवरेज आपका सब में लगेगा, सॉरी एलिगेशन आपका सब में लगेगा। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा आपका। जल्दी से बेटा आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझाता हूं, समझो, आप लोग सोचो खाली चीजों को। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज 6000, ऑल का मतलब ये पूरे का हो गया, टोटल का तो ये हमारा बीच में आएगा। द एवरेज सैलरी ऑफ 12 एम्प्लॉयज, 12 ऑफिसर, 12 ऑफिसर इज रुपीज 40,000, बेटा सैलरी यहां पर है तो यहां भी आपकी सैलरी आएगी। नंबर कहाँ आएगा बेटा, नंबर आता है नीचे रेशियो में, तो आपका 12 हो गया, ये इधर आ जाओ, एंड द रिमेनिंग की सैलरी आपकी कितनी है, 5600 है। तो बेटा जब आप इसको ऐसे माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, 400 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा आपका, 400। बात क्लियर है, बोलो जी हाँ या ना। ठीक है, 40,000 में जब आप 6,000 माइनस करोगे तो बेटा आपका कितना बचेगा, 34,000 बचेगा। ठीक है, 00 से बेटा 00 आपका कट गया, ये आपका देखो 3 times है, जो ओरिजिनल नंबर है वो आपका रेशियो का क्या है, 3 times है, तो ओरिजिनल नंबर इधर भी आपका रेशियो का क्या होगा बेटा, 3 times होगा, 3 4s are 12, ठीक है, 3 3s are 9, आपका कितना हो गया, 10,
102 हो गया। बताइए जी, इतनी बात क्लियर है सभी को? जल्दी से बताइए, बात क्लियर है? अच्छा, 1020, 1020 आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है टोटल टोटल जो एम्प्लॉय कितने हैं। तो बेटा 12 ये, 1020 ये, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हो गए आपके? 1032 एम्प्लॉय हो गए टोटल। बताइए जी, बात क्लियर होगी? सुलगना, रामप्रीत, एवरीवन, बेटा जितने भी लोग हो सभी लोग बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी दोस्त? ठीक है, अगर बेटा ये बात क्लियर होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम लोग आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, ट्राई करो बेटा। जल्दी से बताइए आंसर बेटा। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन ए स्कूल 600 स्टूडेंट्स इज 12 ईयर एंड द एवरेज एज ऑफ गर्ल इज 11 ईयर्स। इफ द टोटल, समझो भावनाएं समझो बेटा, टोटल का एवरेज कितना दिया गया है आपका? 12 ईयर्स दिया गया है। ठीक है भाई, 12 ईयर लिख लिया। बॉयज का एवरेज कितना है? नहीं, बॉयज का द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन हाई स्कूल आपका 12 ईयर दिया गया है। ठीक है, ये हो गया बॉयज का। गर्ल्स का कितना दिया गया बच्चा? गर्ल्स का दिया गया 11 ईयर, और टोटल का दिया गया है 11 ईयर 9 मंथ। ठीक है, तो बेटा 11 साल 9 महीनों में अगर 11 साल आप माइनस करोगे तो आपके 9 मंथ बचेंगे, और 12 ईयर में 11 ईयर 9 मंथ माइनस करोगे तो बेटा आपके 3 मंथ बचेंगे। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3:1। बेटा रेशियो इधर लिख लेते हैं, 3:1 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा 3:1:4 नंबर्स का रेशियो आता है, तो 3:1:4 की वैल्यू हो गई आपकी कितनी? 600। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 1 की वैल्यू बेटा कितनी आपकी? 150। बताओ जी, हाँ या ना? नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई बेटा आपकी? 150 हो गई। बताइए जी, बात क्लियर है सभी को? जल्दी से बेटा कमेंट करके बता दो बात क्लियर है कि नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताओ तो बेटा बात क्लियर, बात कमेंट करके, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है सभी को, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है ना, ये जितने भी टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, ये चीज समझिएगा हमेशा।
जो बेस टॉपिक है आपके वो दो टॉपिक होते हैं, नंबर परसेंटेज हो गया आपका और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर उसके अंतर्गत सारे टॉपिक आते हैं। परसेंटेज में आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, ठीक है ना। रेशियो करोगे तो उसके अंदर आ जाएगा आपका जैसे पार्टनरशिप आ गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन आ गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आ गया, ये सब आपके रेशियो के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सेशन बेटा इतना ही। जब आप एक बात समझ लो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कल सुबह 11 AM पर मेरी क्लास है, अनअकैडमी स्पेशल क्लास, यूज़ करें मेरा कोड काशी10, काशी10, ठीक है ना। मेरा कोड है जिससे आप क्लास एनरोल कर पाओगे और मैं कंप्लीट मेंसुरेशन आप लोगों को कराऊंगा, चाहे जितनी देर आपकी क्लास चले, जब तक आपकी मेंसुरेशन खत्म नहीं हो जाएगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जब आप बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। आइकॉनिक में आपको डेली लाइव डेली मतलब प्लस के फीचर्स के साथ साथ वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप मिलती है, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन मिलते हैं और प्रायोरिटी मिलती है लाइव क्लासेस में। 3 months में आपको 18 सेशन मिलते हैं बेटा, 6 months में 36 सेशन मिलते हैं, 12 months में आपको 72, 24 months में 144 सेशन आपको मिलते हैं। आगे की बात करें तो बेटा जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें आपको वन ऑन वन मेंटर मिलता है जिसमें आप अपनी स्टडी को पर्सनलाइज कर सकते हो, ठीक है। 24 months का सब्सक्रिप्शन बेटा आपका पड़ता है 2700 रुपीज़ पर मंथ का, और 12 months का सब्सक्रिप्शन आपका पड़ता है 3300 रुपीज़ पर मंथ का। 24 month का प्लस सब्सक्रिप्शन आपका 1600 है और 18 months का आपका 1800 रुपीज़ का पड़ता है। कौन सा? ये आपकी प्लस सब्सक्रिप्शन की बात है और ये आइकॉनिक की। एक बहुत बड़ा धमाका आप सभी के लिए, अगर बेटा आप कल तक का सब्सक्रिप्शन लेते हो, कल तक का सब्सक्रिप्शन लेते हो यानी कि 16 फेब तक, तो आपको मिलेगा पूरे का पूरा 20% का डिस्काउंट, ठीक है ना। तो कहीं ना फिर देर हो जाए, उठा लीजिए इस ऑफर का फायदा और यूज कर लीजिए मेरा कोड काशी10, जिससे आपको बेटा तुरंत मिलेगा धमाकेदार 20% का ऑफर, ठीक है। और अगर आपको ऑफर लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं मेरा कोड, जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया बेटा, सेशन को लाइक कर देना, और सेशन को जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है, प्लीज बेटा सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम को 5 बजे, 6 बजे, और सबसे उससे पहले कल सुबह 11 बजे अनअकैडमी पर। मेरा नाम मयंक शुक्ला, आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 11 बजे। मैं कंप्लीट मेंसुरेशन कराऊंगा, यूज करें मेरा कोड काशी10 मेरी क्लास अनलॉक करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय। थैंक यू।